हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कार जो स्पोर्ट अवार्ड है मध्य प्रदेश के, उनको डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए मध्य प्रदेश में खेल पुरस्कार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में खेल पुरस्कार, राज्य में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न पुरस्कार को देने की व्यवस्था की गई है। विभिन्न पुरस्कार को देने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में खेल एवं युवा कल्याण विभाग दिशा निर्देश जारी करता है। इसके संबंध में खेल और युवा कल्याण विभाग जो है वो दिशा निर्देश जारी करता है। सबसे पहले बात करेंगे हम विक्रम पुरस्कार की। विक्रम पुरस्कार जो है ये मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, यानी सबसे बड़ा है खेल के क्षेत्र में, है ना। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार राज्य के मूल निवासी उस खिलाड़ी को दिया जाता है। देखो, राज्य के मूल निवासी होना और उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पिछले पांच वर्ष में न्यूनतम 2 वर्ष तक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो या पदक दिलवाया हो या मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया हो, है ना। तो जिसने पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्ष और तक अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो उसको दिया जाता है। और याद रखना है, ये सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। सीनियर यानी 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को, ऐसा भी आ सकता है पेपर में लिख के 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। 19 से ज्यादा है तो सीनियर है ना, तो 19 वर्ग के आयु को दिया जाता है। 2013 में इसे 1 लाख रुपए राशि, जबकि पहले पूर्व में इसे 50,000 रुपए राशि मिलती थी, है ना। तो अभी 2013 से 1 लाख रुपए राशि दी जाती है। एक ब्लेजर देते, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी, याद रखो 1990 में हुई थी विक्रम पुरस्कार की स्थापना। और यह पुरस्कार 10 खिलाड़ियों को दिया जाता है। 10 खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, यानी 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को, सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। 1990 में हुई थी इसकी स्थापना। तो स्थापना भी आती है फ्रेंड्स पेपर में, है ना, समझ में आ गया। अब बात करेंगे एकलव्य पुरस्कार की। एकलव्य पुरस्कार, यह पुरस्कार राज्य के मूल निवासी उस खिलाड़ियों को दिया जाता है जिसकी आयु 19 वर्ष से कम है। इसका मतलब जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो जूनियर होते हैं, जूनियर खिलाड़ी। काहे कि 19 वर्ष से कम लिखा है यहां पे, तो 19 वर्ष से कम इसका मतलब जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। 14 लोगों को दिया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है 14 लोगों को दिया जाता है, तो 19 वर्ष से कम को दिया जाता है जिसने पिछले 5 वर्ष में न्यूनतम 2 वर्ष तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो और मध्य प्रदेश का नाम आया हो, भाग लिया हो। 2013 में इसे 50,000 रुपये राशि कर दिया गया। इसके पहले 25,000 रुपये राशि दी जाती थी। एक ब्लेजर मिलता है, एक प्रतीक चिन्ह मिलता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना इंपॉर्टेंट है, 1994 में हुई थी, यानी 1994 में। बहुत आसान है याद रखना। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना 1994 में की गई थी। 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को, यानी कि जूनियर खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश का पुरस्कार है ये एकलव्य पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। आया समझ में। अब बात करेंगे विश्वामित्र पुरस्कार की। तो विश्वामित्र कौन थे? तो विश्वामित्र सिखाते थे ना, तो ऐसे प्रशिक्षकों को दिया जाता है यह पुरस्कार। किसको दिया जाता है पूछेगा? प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है जिसमें कम से कम 2 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हों पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 बार। इसमें अब 1 लाख रुपए राशि दी जाती, राशि इंपॉर्टेंट है। पहले 50,000 देते थे, अभी 1 लाख रुपए राशि और एक ब्लेजर देते, एक टाई देते, एक प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया जाता है।
विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना भी हुई थी 1994 में। बहुत आसान है याद रखना। प्रशिक्षकों को दिया जाता है यानी कोच को दिया जाता है, 1,00,000 रुपए राशि है और तीन लोगों को दे सकते हैं, तीन कोच को दिया जाता है, तीन से ज्यादा विनर नहीं हो सकते इसके, है ना, तीन से ज्यादा विनर नहीं हो सकते जब भी दिया जाता है। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, बहुत आसान है, एक बार फिर से देख लो। विक्रम पुरस्कार से क्या पूछेगा, विक्रम पुरस्कार पूछेगा तो 19 वर्ष से अधिक यानी सीनियर खिलाड़ियों को 1990, बहुत आसान है, 90, एकलव्य 94, विश्वामित्र 94, बहुत आसान है। विक्रम पुरस्कार 90, ये 94, ये भी 94, तो सन याद रखना है, इनके सन स्थापना वर्ष पूछे जा सकते हैं, है ना। अब बात करेंगे कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी कैप्टन रूप सिंह के नाम से 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, उन लोगों को दिया जाता है जिसने अपना खेल के प्रति जीवन योगदान दिया हो, पूरा जीवन खेल के प्रति समर्पित कर दिया हो, लाइफ टाइम अचीवमेंट या खेल के क्षेत्र में कुछ अचीव किया हो, अचीवमेंट का मतलब कुछ अचीव किया हो, उनको दिया जाता है। तो 50,000 रुपए राशि याद रखो बस। प्रभास जोशी पुरस्कार की बात करेंगे। प्रभास जोशी एक पत्रकार रहे हैं, उनके नाम पर एक पुरस्कार का नाम पुरस्कार शुरू किया गया है। 2013 में स्थापित मलखंब खेल 2013 में स्थापित किया गया, मध्य प्रदेश सरकार ने राजकीय खेल को घोषित किया गया था। तो मलखंब के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रभास जोशी पुरस्कार में 1,00,000 रुपए राशि, एक ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मलखंब के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताइए, तो प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है मलखंब खेल के क्षेत्र में। 2013 को तो इसकी स्थापित हुआ था खेल, आगे इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता, मध्य प्रदेश के उस खिलाड़ियों को दिया जाता है जिसने सीनियर और जूनियर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो, उनको दिया जाता है ये पदक। अन्य पुरस्कार की बात करेंगे, एक वृत्ति दी जाती है, राज्य स्तरीय स्पर्धा में 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को स्वर्ण जीतने पर 2,000 रुपए और दलीय स्पर्धा में स्वर्ण जीतने पर प्रत्येक सदस्य को 500 रुपए दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में पदक विजेता राज्य खिलाड़ी सम्मान निधि प्रदान करता है। तो ये इसको एक बार देख लो बस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खेल संस्थानों का अनुदान, जो खेल संस्थान बने हुए मध्य प्रदेश में उनने क्या क्या अनुदान दिए उनको भी देख लेते हैं। तो मान्यता प्राप्त खेल संस्था या विधिवत गठित खेल संस्थाओं को नियमानुसार अनुदान पात्रता होती है। तो राज्य स्तर पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए 1,00,000 रुपए देते हैं और राज्य स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए 2,00,000 रुपए देते हैं और जिला स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन के लिए 50,000 और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 30,000 रुपए देते हैं। आर्थिक सहायता और खेल वृत्ति पुरस्कार नियम 2000, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग ने मध्य प्रदेश ने 2 फरवरी 2000 को खेल संघ और खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, खेल वृत्ति, संभाग निधि और पुरस्कार दोनों संबंधित नियम बनाए हैं। तो एक खेल वृत्ति दी जाती है, ये खेल वृत्ति जो है ये 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को दी जाती है। अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के खिलाड़ी या दल को दी जाती है। खिलाड़ियों की उम्र 19 से कम होना चाहिए, राष्ट्रीय खेल में शामिल होना चाहिए, जो खेल में जीते हैं इसके लिए यह स्वर्ण पदक विजेता होना जरूरी है। एक वृत्ति होती है, इसमें 2,000 रुपए दी जाती है, व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण विजेता को 2,000 रुपए और दलीय स्पर्धा विजेता को 500 रुपए दिए जाते हैं। एक सम्मान निधि होती है, तो सम्मान निधि राज्य के मूल निवासी खिलाड़ी को दी जाएगी जिसके अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक जीता हो, 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1,500 रुपए प्रति माह सम्मान निधि जाती है पेंशन के रूप में, है ना। तो सम्मान निधि 1,500 रुपए प्रति माह दी जाती है 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, लेकिन कब, राज्य के मूल निवासी खिलाड़ी हो और जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक जीता हो, है ना। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखो आप। एक खेल वृत्ति इंपॉर्टेंट है और ये सम्मान निधि, इनसे क्वेश्चन पर बन सकते हैं, बाकी इधर कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेहरू युवा केंद्र, तो केंद्र सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा पूरे देश में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की है। मध्य प्रदेश में 19 नेहरू युवा केंद्र है, ये इंपॉर्टेंट है कभी आ गया तो। मलखंब की बात करेंगे, मलखंब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश सरकार ने मलखंब को 10 अप्रैल 2013 को राज्य की खेल घोषित किया था।
तो ये तारीख आ सकती है 10 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल घोषित किया गया था। मलखंब के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार जो है प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है, 2013 से दिया जा रहा है। प्रथम मिला था अजय वक्तारिया को और इसमें 1,00,000 रुपये राशि दी जाती है। प्रथम किसको मिला था? अजय वक्तारिया को, तो नाम याद रखना है। मध्य प्रदेश में मिशन ओलंपिक 2020, तो मध्य प्रदेश में मिशन ओलंपिक 2020 योजना शुरू की गई है, जिसमें राज्य में यानी करी गई थी राज्य में करने का निर्णय 10 अप्रैल 2013 को लिया गया था। इसमें यहला निर्णय लिया गया था। मिशन ओलंपिक योजना के में शामिल 3 खेल हैं, मार्शल आर्ट, वाटर स्पोर्ट और शूटिंग। ये आ सकता है मिशन ओलंपिक में कौन से खेल शामिल थे, तो मार्शल आर्ट, वाटर स्पोर्ट और शूटिंग, ये तीनों खेल शामिल थे। खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, हो सके यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन जाए तो। मध्य प्रदेश में खेल पंचायत का कार्य आयोजन भोपाल में किया जाता है। मध्य प्रदेश खेल पंचायत यानी 2008 में खेल पंचायत कार्य का आयोजन भोपाल में किया जाता है, याद रखना है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार है, 1990 में हुई थी स्थापना, 19 वर्ष से अधिक आयु यानी सीनियर वर्ग को दिया जाता है, 1,00,000 रुपये राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष जो है अभिलाष खांडेकर है। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय इंदौर में है, उसके वर्तमान अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर है, याद रखना है। राज्य के लतीफ अनवर एक हॉकी खिलाड़ी रहे हैं मध्य प्रदेश के, जो पाकिस्तान के हॉकी कप्तान भी बने थे। तो लतीफ अनवर का नाम आ सकता है, हॉकी खिलाड़ी थे मध्य प्रदेश के थे, जो पाकिस्तान के हॉकी कप्तान भी बने हैं, है ना। उसके बाद अगला फैक्ट देखो, मध्य प्रदेश यानी राज्य का मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब था पारसी क्रिकेट क्लब, 1890 में हुई थी स्थापना, इंदौर में है मुख्यालय, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, सब याद रखना है। भोपाल में तात्या टोपे स्टेडियम है, वहां पे खेल संग्रहालय, खेल म्यूजियम बनाया गया है। मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में जबलपुर में की गई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में और इसका मुख्यालय जबलपुर में है, याद रखना है। हॉकी एसोसिएशन और बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का खेल संस्थान मध्य प्रदेश खेल अधिकरण है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल संस्थान, कभी पूछा जा सकता है ना, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल संस्थान खेल अधिकरण है। क्या है ये खेल अधिकरण? तो जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया था उसी का नाम बदलकर भारतीय खेल अधिकरण कर दिया गया है ना, भारतीय खेल अधिकरण, मध्य प्रदेश खेल अधिकरण कर दिया गया है SAI का नाम बदलकर, है ना। इंदौर के संजय संजय जगदले इंदौर के थे, राष्ट्रीय क्रिकेट चयन समिति के सदस्य भी रहे हैं, तो क्रिकेट खेलते थे संजय जगदले और राष्ट्रीय क्रिकेट चयन समिति के सदस्य भी रहे हैं, पूछा जा सकता है। जाल गोदरेज टेबल टेनिस खिलाड़ी थे, इन्हें द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कहा जाता था, तो ये पूछा जाता है। जाल गोदरेज टेबल टेनिस खिलाड़ी रहे हैं मध्य प्रदेश के। असलम शेर खां का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं और बैतूल के सांसद भी रहे हैं ये बाद में। इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी आत्मकथा का नाम है टू हेल विथ हॉकी। उसके बाद देखिए, भारतीय खेल अधिकरण ने क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना गोरेगांव भोपाल में की है, तो भोपाल में खेल वाला बना है गोरेगांव भोपाल में। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय इंदौर में है, ये क्वेश्चन आते रहता है। भर्ती सूचना सह प्रशिक्षण केंद्र भोपाल और ग्वालियर दोनों जगह है। बॉक्सर मेरीकॉम ने जो मेरीकॉम मणिपुर की थी, बॉक्सर मेरीकॉम ने मध्य प्रदेश सरकार को 50,00,000 का इनाम 2013 में दिया था। तो इस तरीके से हमारा यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कार डिस्कस किए। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है और समझना है और अपने हिसाब से आपको तैयारी करना है, जिससे आप
हर एक क्वेश्चन को बना सके, क्लियर कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।